नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। राष्ट्रीय स्वरोजगार महासंघ द्वारा नौगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोको अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जनपद के सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक मौजूद रहे। ट्रेन रोको अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि जनपद में संचालित हो रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रति चल रहे सरकार के आदेश को लागू करने से नाराज प्रबंधकों ने कई बार धरना भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात को अंजाम देने के लिए स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की रणनीति बनाई और स्टेशन के समीप सिंहेश्वरी मंदिर पर एकत्रित हुए। इस बात को भांपते हुए सदर थाना अध्यक्ष शमशेर बहादुर सिंह अपने दल बल के साथ मंदिर पहुंचकर प्रदर्शन करने के एकत्रित हुए लोगों को अपनी सूझबूझ के साथ बाहर ले आए, और जब लोगों ने ट्रेन रोकने का प्रयास किया तो अपनी समझदारी दिखाते हुए उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया और उनकी इस योजना को असफल बना दिया। वहीं रेलवे विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई बंदोबस्त सक्रिय रूप से देखने को नहीं मिला। सरकार से ये कह रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों की तरह हमें भी 3 वर्ष का समय दिया जाए, ताकि हम अपनी जो मानक है उसे पूरा कर सके। 70-80 लाख रुपए जो मानक में खर्च होते हैं, उतने पैसे इन गरीब विद्यालयों के पास नहीं है, क्योंकि सही में शिक्षा जैसा सेवा का कार्य कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट इसे बंद कर रही है और तानापूर्ण तरीके से बंद कर रही है। लोगों को ले जाके जेलों में डाला जा रहा है, उनसे 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है, उनके स्कूलों पर उनको बेइज्जत किया जा रहा है, बच्चों को खींच के प्राइमरी स्कूल में भेजा जा रहा है, जहाँ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं जहर खा लूँगा पर प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। इस अवस्था में हमारी योगी जी से प्रत्येक स्तर पर मांग हुई, हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने चक्का जाम किया, पुतला जलाया, हमने सारे सांसद विधायकों को ज्ञापन दिया, पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और लाठी के बल पर हमें दबाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज मजबूरन हम इस रेल रोको अभियान को करने के लिए मजबूर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।